वेलकम है आप सबको यू के लाइफ स्टाइल व्लाग में मैं हूँ बेनज़ीर जी जनाब आज है संडे और संडे की वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो आज मैं चावल वक, मतलब बिरयानी बना रही हूँ तो बिरयानी के लिए सम टाइम मैं आफरीदी राइस भी यूज़ करती हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे शेयर करूँ कि यह आफरीदी राइस है बहुत अच्छा बनता है इसके ग्रेन बहुत लंबे लंबे होते हैं और बहुत ही मज़े का बनता है और इसके अलावा संडे बड़ा बिज़ी बिजी है, आपको पता है आप बच्चों की छुट्टियां होने वाली है और मेरे बेटे के मेरे ख्याल में ट्यूसडे को छुट्टी हो जाएगी हाफ डे है तो फिर बस बच्चे घर पे और घर पे बच्चे जब होते हैं तो क्या होता है आपको पता है ना माओ की ड्यूटी डबल हो जाती है जैसे कि मेरी होगी <laughs> तो यही है कि बस बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे छुट्टियों में और ये देखें ये मैंने बनाया था मिर्ची का अचार बहुत मजे का बना है ये सरसों का तेल डाल के इंस्टेंट इंस्टेंट बिल्कुल कहते हैं ना कि उसी वक्त खाना शुरू कर दें आप ये मिर्ची के अचार बनाई है मैंने और आ इसकी रेसिपी इन बहुत जल्दी आप लोगों तक पहुंचा दूंगी बट ये है कि बड़ा आसान और बड़े मज़े का बना है अच्छा इसके अलावा यहाँ मैं बिरयानी बना रही हूँ लैम्ब की तो मैंने आपको याद है पिछली वीडियो में बताया था कि आप टमाटर वगैरह को फ्रिज में कैसे सेव करेंगे तो मैंने आपको कहा था ना इन सब को धो के मैं डिफ्रीज कर देती हूँ आइड पत्थर बना देती हूँ और देखें जब पत्थर बन जाता है ना थोड़ी देर के बाद आप जब छुरी से काटेंगे ना तो इस तरह से कटेगा ये देखें जैसे कि ना बर्फ़ के स्लाइसिस कट रहे हैं तो आपने ना इसको बिल्कुल नरम करके नहीं काटना है मतलब ये कि ऐसा नहीं कि आपने टमाटर निकाला और उसको दो घंटे छोड़ दिया और वो बिल्कुल पिलपिला सा बन जाता है इस तरह से फिर टमाटर अच्छा रिजल्ट नहीं देगा वो रबड़ी बन जाएगा रबड़ की तरह बट देखे मैंने इसको आपके बर्फ़ के स्लाइसिस की तरह ही काटा थोड़ा सा नरम हो जाए फिर आप काट लो अब यहाँ पर मेरा प्याज जो है हल्का गोल्डन हो गया अब मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर टमाटर को डाल के हम साथ साथ ही साथ प्याज के साथ हल्का फ्राई करेंगे बिरयानी की रेसिपी तो मेरी बहुत है आप जाके मेरे चैनल में देखें आपको बिरयानी में रोज़ रोज़ क्या सिखाऊं इतनी सारी बिरयानी की रेसिपी है कि आपकी सोच है आप जाएं मेरे चैनल में बॉम्बे बिरयानी सिंधी बिरयानी इसके अलावा मसाले वाली बिरयानी बहुत बिरयानियाँ हैं ये देखें ये मैं लैम चॉप्स की आज बिरयानी बना रही हूँ तो मेरे पास एक किलो है लैम चॉप्स तो लैम चॉप्स की बिरयानी भी बड़े मज़े की बनती है तो मैंने इसको डाला टमाटर के साथ ही डाल दिए इनको सबको करेंगे भुनाई और फिर आपको बताऊंगी कि कैसे बनेगा तो आप लोग बताएं कि भाई आप लोग की छुट्टियां कैसे जा रही बच्चों के साथ पाकिस्तान में तो छुट्टियां बहुत पहले हो चुकी हैं यहाँ तक कि अमेरिका में, में जो मेरी जो बहनें हैं उन लोगों के बच्चों की छुट्टियाँ तो जून के मेरे घर में जून नहीं सॉरी जुला आ, हाँ यस जून के शुरू में ही उनकी छुट्टियाँ हो गई तो अभी तो उनके काफ़ी दिन हो रहे हैं छुट्टियों को बट हमारी छुट्टियाँ अब स्टार्ट हो रही हैं बच्चों की तो इस तरीके से मैंने ये देखे मज़ेदार भुनाई करने के बाद गरम मसाला पाउडर इसके अलावा जो बिरयानी में मसाले जाते हैं वो डालूंगी और मज़ेदार चटपटा बिरयानी बनेगा तो यही है कि क्या करें छुट्टियों में भाई बच्चों के साथ थोड़ा इधर उधर चले जाएंगे कोई लॉन्ग ट्रिप में जाने का प्लान तो है नहीं कि कहीं और दूर चले जाएं बस सामने सामने बच्चों को घुमा देंगे यूके में और यही होगी छुट्टियाँ एक महीने की छुट्टी तो पता भी नहीं चलेगा गुजर भी जाएगा मैं बता रही हूँ तो वो तो आपको पता भी नहीं चलेगा तो चले जी इस तरीके से मसाला अच्छी तरीके से मैंने भून लिया आपको मैं दिखाती हूँ कि टमाटर आपका बिल्कुल ऐसा गला हुआ होगा ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने डीप फ्रीज़र वाला यूज़ किया है तो इस तरीके से मैं ज़्यादा टमाटर जब ले आती हूँ ना तो क्योंकि आप फ्रीज़र में रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा मैं इसको पत्थर बना देती हूँ मैं इसको इन सबको धो के ना ये देखें आपको ग्रेवी में टमाटर बिल्कुल नजर नहीं आएगा ये देखें कितना जबरदस्त भुना हुआ इस तरीके से सेव करके रखें यकीन जाने डन दन डनाडन है आपका टमाटर जो है ना सेफ भी रहेगा और आपको नुकसान भी नहीं होगा कि पैसे ज़ाया हो गए गल गए सर गए ये देखिए बिरयानी माशाल्लाह से कोयला का दम दिया था मैंने कोयले के दम के साथ इसका कहते हैं ना इनका निकाब उतारते हैं <laughs> इनका निकाब बिरयानी का उतारते हैं यकीन जाने दाना खिला खिला दाना माशाल्लाह माशाल्लाह से कि मज़ा आ गया संडे में बिरयानी खा के मगर यहाँ पर बात सिर्फ बिरयानी पे, पे ख़त्म नहीं हुई है अचानक शाम को शोहर का मूड हुआ कि साउथ हॉल चलते हैं मैंने कहा भाई खाप पी लिया हमने दोपहर को बिरयानी शिरयानी तो कहने लगा नहीं चलते हैं ना संडे को क्या करेंगे घर पे तो रात को हम लोगों ने रात को नहीं आई I मीन mean, पाँच छः बजे के करीब हमारा मूड बन गया साउथ हॉल जाने का तो चले जी यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी बिरयानी तैयार हो गई है अब मैं जाती हूँ और जाके आपको बताती हूँ और नेक्स्ट क्या करेंगे <coughs> तो साउथ हॉल गए यकीन करें संडे में शाम को गए थे हम लोग साउथ हॉल मगर इतना रश था इतना रश था कि लगता है कि वहाँ पे सिख बरदरी बहुत ज़्यादा है साउथ हॉल में सारे अपने सिख बरदरी वाले भाई और सारी बहनें जो शरवा कमीज पहन के बड़ा ही अच्छा माहौल लगा मुझे कि किंग गाने पाकिस्तान की याद आ जाती है साउथ हॉल जब भी मैं जाती हूँ ना मुझे पाकिस्तान की याद आ जाती है जी जनाब शाम को हम तैयार हो गए मैंने कहा था ना कि साउथ हॉल जाना है हस्बैंड का अचानक से मूड बन गया तो अभी आपको लग रहा होगा कि दोपहर हो रही है मगर ये दोपहर नहीं है ये शाम के छः बज रहे हैं और मौसम देखें आपको अभी भी कितनी रोशनी है तो चले जी गाड़ी में बैठ गई मैं और चलते हैं साउथ हॉल की तरफ और वहाँ जाके देखते हैं क्या करते हैं तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है आप मेरे साथ रहें लाइक शेयर सब्सक्राइब और यहाँ जी मैं पहुंची हिना जी के चांदनी चौक पर जहाँ की वो एम्बेसटर बनी हुई हैं चांदनी चौक में जाके हिना जी तो खैर पाकिस्तान में हैं बट चांदनी चौक मुझे जाने का बड़ा शौक था कि अंदर से देखूं कि है कैसा चांदनी चौक मैं फर्स्ट टाइम गई थी फैमिली के साथ बच्चों के साथ गई थी तो चले जी हस्बैंड पहले ही बिसमिल्ला कर चुके हैं इंटर हो चुके हैं और यहाँ देखें आप चांदनी चौक का अंदर का जो मिठाई का सेशन है हमें मिठाई लेनी थी हमें कुछ ज़्यादा कुछ खाना नहीं था तो हमने मिठाई ली और खाई में मैंने पसंद की है लड्डू जो पलवेशा की बेटी की शादी में हमने खाई थी लड्डू मोतीचूर के लड्डू तो मोतीचूर के लड्डू हम लोगों ने यहाँ से पसंद किया और थोड़ा सा मोतीचूर का लड्डू लिया है और इसके अलावा बस मुझे तो चांदी चौक अंदर से देखने का शौक था कि माशाल्लाह हिना जी यहाँ पे आती हैं और यहाँ से लेती हैं और चांदनी चौक का मिठाई बड़ी मशहूर है मैंने सुनी है तो खैर बहुत ही मज़े का है नाश्ता वाश्ता तो कुछ भी नहीं किया था क्योंकि हम तो छः बजे शाम को आए हैं और हमें यहाँ से खाना कुछ नहीं था बस लेना था तो हमने मिठाई पसंद की और मिठाई में देखें ना मोती चूर के लड्डू यम यम, यम 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 बड़े मज़े के लग रहे थे ये देखें ये मैंने खाई थी पलवशा की बेटी की शादी में तो मैंने यहीं से दोबारा लिया और हम फिर जी जनाब ये देखें ले ली मैंने चांदनी चौक की मिठाई मोतीचूर के लड्डू और चले जी चलते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं और यहाँ पे रात को बेटों ने फरमाइश की कि मम्मी रात को हम ना यहीं से खा लेते हैं कुछ तो हम लोगों ने शनवारी गए और शनवारी जाके हमने प्लेटर कबाब का प्लेटर ऑर्डर किया ये है शनवारी साउथ हॉल में मज़े का खाना था बट मैं कहूँगी कि, कि खाना बुरा नहीं था बट मसाले बड़े हल्के थे मतलब हम लोग ज़रा चटोरे हैं ना उस लिहाज से मसाला कम था तो आज का वीलॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अल्लाह हाफिज